अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन जमाल। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हूं मैं कैपेडोशिया में। ये कुछ लोग इसे कैपेडोशिया प्रोनाउंस करते हैं और कुछ इसे कैपाडोकिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हॉट एयर बलून, तो बड़ा मज़ा आने वाला, हवा में उड़ने वाले। तो अर्ली ये उन्होंने सुबह कह लें 6 बजे उठाया है। 6 बजे काफ़ी डार्कनेस होती है बाहर, काफ़ी अंधेरा होता है। तो टेम्परेचर है इस वक्त -3 और कुछ एरियाज में बर्फ़ पड़ी हुई है। बलून जो है वो इनमें वो हवा भर रहे हैं और कुछ जो है पीछे अगर नज़र आ रहे हो तो कुछ बलून जो है उन्होंने फ्लाई कर लिया है। तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो आपको व्यू दिखाता हूँ, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बेहतरीन। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरा हो रहा है। तो आपको भी साथ में एंजॉय करवाता हूँ और देखते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस है और इसके रिव्यूज देता हूँ बाद में। ये जो चट्टाने हैं इनकी फॉर्मेशन इतनी अजीबोगरीब है, मैंने इस पर इसकी रिसर्च की है कि इसकी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी तक इसका सुराग नहीं लगा सके हैं कि ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। There are very important points. The balloon doesn't any direction. The most wind with we can climb or this side. Landing position very important. When I say landing position, my face this way. Your face turn opposite side of landing direction balloon. के बारे में कुछ थोड़े से कमेंट्स। सब बहुत अच्छी रही है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है और क्या कहते हैं, सर्दी भी बहुत ठीक है। टेम्परेचर तो -2 -3 आई थिंक -4 जी। इस वक्त लगभग 1500 से 1600 मीटर सतह समंदर से बुलंद। इस वक्त हमारा बलून जो है सबसे ऊपर है। इसमें मुख्तलिफ गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं इसको जो पुश करती हैं ऊपर की तरफ। तो ये तकरीबन 20 से 25 लोग हैं, उसके हिसाब से वेट देख लें आप कितना वेट होगा। तो उसको ले कर फ्लाई करना, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जो बलून है जिसमें गैस फिल होती है। और जैसे ही इसको नीचे लेके आना है तो ये दूसरी वाली गैस इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हवा जो है वो थोड़ी वज़नी हो जाती है और बालून जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये इस वक्त हाइट जो है हम गेन कर चुके हैं राउंड अबाउट 2000 मीटर अबव सी लेवल।
फ्लाइट लैंड कर गई तो इसका जो गैस है वो एग्जॉस्ट होगा, तो उसके बाद जो हमें इजाज़त मिलेगी इसमें से उतरने की। बलून ने लैंड कर लिया, तो ये अभी उसकी जो इसमें एयर है वो निकाल रहे हैं, हॉट एयर निकाल के, तो इसको अभी ये इसको तय करके, तो इसके लिए स्पेशल इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं पीछे, उस गाड़ी में इसको लेके जाएंगे। तो ये बलून सुबह इन्होंने हमें अर्ली उठाया है नमाज से पहले, तो अर्ली लेके आए। असल में ये जो बलून है इसमें ये आपको सनराइज़ दिखाते हैं कैपेडोशिया में, और सनराइज़ की वजह से जो ब्यूटी होती है ना सुबह की, उसके लिए बकाया ये दिन में इसको फ्लाई नहीं करते हैं। अभी सारे के सारे बलून जो है वो लैंड कर चुके हैं, तो सभी सूरज निकलने से पहले पहले फ्लाई कर चुके थे। अब सूरज निकला है, जैसे ही सनराइज़ हो गया तो इन्होंने सारे के सारे बलून जो है वो मुख्तलिफ जगह पे लैंड हो चुके हैं। तो हमारा बलून थोड़ा सा ये साइड पे आके लैंड हुआ है, तो अब इन्होंने क्या किया कि वो गाड़ियां लेके आए, तो उन पे रख के यहां से लेके जाएंगे, तो यहां से पैदल मार्च करते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आज फुल सनी डे, रात टेम्परेचर -3 या -4 था, सुबह भी काफ़ी सर्दी थी। अभी मैं नीचे देख रहा हूँ, मेरे पाँव के नीचे जो शबनम है वो जमी हुई है, तो कुछ जगहों पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, वो मेरे सामने बर्फ़ पड़ी हुई है और मुख्तलिफ जगह पे बर्फ़ नज़र आ रही है। तो जैसे ही ये सूरज अभी सनराइज़ हुआ है, तो टेम्परेचर जो है वो स्पीडली जो है वो उसने बढ़ाया है, तो ये टेम्परेचर 17 या 18 तक जाएगा मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम ये -3 से -4 सेल्सियस डिग्री जो है ना वो ड्रॉप कर जाता है रात को। तो ये देख लें, अब इसको पैक करना, इसको इसमें हवा भरना, इसको कैरी करना, जो हर चीज़ है वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे ही फ्लाइट ख़त्म हुई है ये सर्टिफिकेट उन्होंने दिए है, तो ऐसा ही एक ट्रैवल डिग्री है, 2 नंबर डिग्री है डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो जाए जली है। हाय फ्रेंड्स, इतना मजा आया आज हम लोगों ने हॉट एयर बलून बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सन भी था और इतनी प्यारी सनलाइट भी थी, हमने बहुत एंजॉय किया, वी एंजॉय अ लॉट, थैंक्स, बाय बाय। तो ये इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, ऐसा ही एक सर्टिफिकेट मुझे जंगफ्रो रीजन स्विट्ज़रलैंड में मिला था, जो आज भी मेरे पास महफूज है। ये यादगारें होती हैं, तो बहुत मज़ा आया फ्लाइट का, और मुझे भी मिला, आई एंजॉयड अ लॉट, लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इतना मज़ा, बहुत ही वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस।